कहानी है पांच मटर की जो एक फली में रहते थे। वो सभी अलग थे पर फली अभी बंद होने के कारण करीब थे। वो छोटे होने के कारण सूरज को नहीं झेल पा रहे थे। वो सारा दिन सोते रहते थे पर रात को एक दूसरे से बात करते थे और बाहर से आती हुई संगीत की धुन सुनते थे, खास करके चांद की धुन। जब चांद आधा होता था तो खुद को चांदी की डोर में खुद को बांध के फिर वीणा की तरह उसे बजा के मटरों को अच्छे गाने सुनाता था। और जब चांद पूरा होता था तो ड्रम बजाता था। मटर के दाने ड्रम की जोरदार आवाज सुनकर उठ जाते थे, लेकिन चांद के संगीत पे हर मटर का अलग ही अंदाज होता था। मुझे इस ड्रम की आवाज बहुत पसंद है, बूम 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 मचाए धूम धूम। मुझे तो ये धुन सुन के आराम का एहसास होता है। मुझे तो वीणा की आवाज बहुत ही सुंदर और मधुर लगती है। वाह क्या बात है। ओहो, कभी कभी शांति भी होनी चाहिए। हर बार क्या संगीत, मुझे तो जी भर कर सोना पसंद है। वाह मजा नी लाइफ। चौथा मटर बहुत ही आलसी था, वो हर वक्त सिर्फ सोता रहता था। पांचवा और सबसे छोटा मटर इन चारों में सबसे अलग था। मुझे तो हर तरह का संगीत पसंद है, वो मंजीरा ड्रम और वीणा भी। हर एक की धुन मजेदार है और मुझे खुशी देती है जब मैं इन्हें सुनता हूँ। मटर दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे, उन्हें पता ही नहीं चला कि वो कब बड़े हुए। और अब उन्हें फली में जगह बहुत कम पड़ रही थी। जरा बाजू हटना, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। तू हिलने की बात कर रहा है, मैं तो यहाँ घूम भी नहीं पा रहा हूँ। इस फली में तो बिना ट्रैफिक के जैम हो गया है। हाँ, और मैं तो यहाँ ठीक से सो भी नहीं पा रहा हूँ। थोड़ी जगह मिल जाए तो बात बन जाए। मैं सबसे छोटा हूँ पर मुझे भी जगह बहुत कम पड़ रही है। सभी परेशान हो रहे थे और एक दूसरे को हटने के लिए कह रहे थे। तभी अचानक मटर की फली खुल गई और एक चकाचौन करने वाला प्रकाश अंदर आ गया। अरे नहीं, ये फली किसने खोली? ये तो हद हो गई। मुझे चैन से सोने क्यों नहीं देते तुम लोग? कोई फली को बंद करो, मैं तो अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा हूँ। अब बहुत देर हो चुकी है, ये तो प्रकृति ने अपना करिश्मा दिखाया है। अरे वाह, हमारी फली फूट गई। आहा, मजा आ गया। कुछ देर बाद जब सारे सूरज की रोशनी में आराम महसूस करने लगे, तब उन्होंने एक चर्चा शुरू की। मुझे लगता है अपनी निकल पड़ी। निकल पड़ी वो कैसे? यानी कि हम बाहर निकल कर दुनिया देख सकते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बाहर की दुनिया हमारे लिए बहुत खतरनाक है। तुम सबको नहीं लगता कि हम इन सब बातों में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं? मुझे तो बाहर की रंग बिरंगी दुनिया देखनी है। मैं तो इस फली से बाहर निकलकर मजे करना चाहता हूँ। तुम लोगों को जो जी में आए वो करो, मैं तो बस थोड़ा और सोना चाहता हूँ। तो बोलो क्या बोलते हो? क्या बाहर निकलना अच्छा होगा? हम तो यहाँ काफी समय से हैं, हमें बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं मालूम। मैं तो कहता हूँ हम सब बाहर निकलकर मजे करते हैं, अब हम इस फली से आजाद हुए हैं। कुछ देर चर्चा करने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो फली से बाहर निकलेंगे। उन्हें लगा यही मौका है रोमांच का, उसे खोना नहीं चाहिए। और एक एक करके वो फली से कूद गए। संभल के आना दोस्तों। पता नहीं मैं कहाँ गिरूंगा, कोई माँ बच गया। कोई मुझे पकड़ के दिखाए। थोड़ा और सोने मिल जाता तो मजा आता। तुम सब कहाँ हो? मुझे अकेला छोड़ गए, यहाँ तो फिसलन है। वो सारे एक जमीन के कुंड में आकर गिर गए। पहली बार बाहर की दुनिया देखकर वो बहुत खुश हुए। वाव, क्या खूबसूरत नजारा है। हाँ, मुझे तो बहुत मजा आ गया। फली को छोड़ना हमारा सही फैसला था।
मुझे तो बहुत नींद आ रही है, कोई आरामदायक जगह ढूंढो मेरे लिए। अरे वो देखो, हम जमीन से कितने ऊपर एक टहनी पर थे। इस नई दुनिया के बारे में वो बातें ही कर रहे थे कि तब एक लड़की ने उन सबको देखा। आहा, ये मटर के दाने मेरे गुलेल के लिए एकदम सही है, इन्हें जल्दी जल्दी उठा लेता हूँ। लड़की ने एक एक करके सभी मटर के दाने उठा लिए। सबसे पहला मटर आसमान की तरफ उड़ा, वो सबकी नजर से ओझल हो गया। ओह, ना जाने मेरा क्या होगा। फिर उस लड़की ने अपने गुलेल से दूसरे, तीसरे और चौथे मटर को उड़ाया। कोई है, मुझे बचाओ, न जाने मैं कहाँ गिरूंगा। ये लड़का तो कर रहा है मजा, पर हमें मिल रही है सजा। मैं तो ऐसी जगह गिरना चाहूँगा जहाँ मुझे चैन से सोने मिले। और फिर सबसे छोटा मटर उड़ के आया। अरे वाह, मैं तो बादलों में पंछियों की तरह महसूस कर रहा हूँ। ओ मेरी किस्मत, मुझे ऐसी जगह ले चलो जहाँ मजे की लाइफ हो। सबसे छोटा मटर एक खिड़की के पास आकर गिर गया। जे बात, मैं सही सलामत पहुँच गया। जैसे ही उसने खिड़की से झांका, उसने एक बच्ची को बिस्तर पर लेटे देखा जो बीमार थी और लगातार खांस रही थी। उसकी माँ उसके लिए खाने में सूप लेकर आई थी। मेरी प्यारी बच्ची, ये सूप तो पी लो, इसे तुम्हें बुखार से लड़ने की शक्ति मिलेगी। नहीं मम्मी, मुझे बिल्कुल खाने की इच्छा नहीं है। अगर तुम कुछ भी नहीं खाओगी तो तुम पहले जैसे स्वस्थ कैसे रहोगी। मटर ने देखा कि माँ बच्ची को खाना खिलाना चाहती थी, पर बच्ची कमजोर होने के कारण नहीं खा रही थी। माँ को अपनी बच्ची की चिंता सता रही थी। रात को जब बच्ची सो गई, तब उसकी माँ उसके लिए दुआ प्रार्थना करने लगी। मेरी बेटी को जल्दी इस बीमारी से ठीक कर दो, मैं उसे इस हालत में और देख नहीं सकती। उसकी सेहत पहले जैसी हो जाए, मेरी बेटी की जिंदगी बचा लो। मटर को भी ये देख के उस बच्ची और माँ के लिए दुख हुआ। देर रात को मटर खिड़की से घर के अंदर आया। आसमान में पूरा चांद था जो ड्रम बजा रहा था। मटर ने बच्ची के लिए गाना गाया। धम 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 गाना गाए हम, धम 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 गाना गाए हम। कौन है? मैंने अभी अभी गाने की आवाज सुनी, कौन है? ये मैं हूँ, यहाँ इस खिड़की पे। तुम बोल रहे हो? मैंने आज तक मटर को बात नहीं करते देखा। मैं गाना भी गा सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊंगा इस चांद के ड्रम के साथ। चांद का ड्रम? हाँ, जब चांद पूरा होता है तो वो ड्रम बजाता है। पर मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया, तुम जरूर कोई खास मटर हो। इस दुनिया में सभी स्पेशल हैं और हर चीज में संगीत होता है, हमें बस ध्यान देना है और मन लगा के सुनना है। तुम्हारा मतलब मैं भी चांद का ड्रम सुन सकती हूँ? क्या ऐसा हो सकता है? इस दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। अरे हाँ, मैं ड्रम की आवाज़ सुन सकती हूँ। मैंने कहा था ना तुमसे कि सब कुछ मुमकिन है। लेकिन अब भी एक बात है जो मेरे साथ मुमकिन नहीं। और वो क्या है? मैं इस बीमारी से ठीक नहीं होऊंगी। ओह, ऐसा मत कहो, मानो कि मैं मटर के अलावा कुछ और बन जाऊं, फिर तुम भी अच्छी हो सकती हो। पर तुम तो बस एक मटर हो, तुम और क्या बन सकते हो? ऐसी बात नहीं है, हमें आत्मविश्वास होना चाहिए, फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं कुछ और बन जाता हूँ तो यकीन करो तुम भी ठीक हो सकती हो। ठीक है, कोशिश करूंगी। अगले दिन सुबह जब बच्ची उठी, उसे मटर के साथ हुई बात याद आ गई। उसने खिड़की में झांका, लेकिन मटर वहाँ नहीं था। ओ, लगता है कोई सपना था, एक मटर कैसे बोल सकता है। वो खिड़की के पास गई और सुबह के ताज की को निहारती रही। कितना खूबसूरत नजारा है, उस मटर ने कहा था अगर मान लूं कि मैं ठीक हो सकती हूँ तो मैं जरूर ठीक हो जाऊंगी।
छोटे मटर ने अपना वादा निभाने की पूरी कोशिश की। वो खिड़की के बाहर ही रहने लगा और कुछ दिन खुद को धूल में लिपटा कर रखा। कुछ दिन बाद बर्फ का मौसम आया तो धूल ने उसे बर्फीले मौसम से बचाया। वो हर रोज अपने लक्ष्य की ओर खुद को आगे बढ़ा रहा था। अगर मैंने कुछ और दिन इस मौसम का सामना किया तो मैं जरूर अपना मकाम हासिल करूँगा। मैं अपना वादा पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। नन्हे मटर ने आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति से कड़कती ठंड मौसम का सामना किया। मौसम बदल गया और मटर के दाने में अंकुर फूटा, जो एक पौधे में बदल गया। कुछ शाखाएं भी आ गई और कुछ खूबसूरत फूल भी। एक दिन बच्चे की माँ ने देखा कि उनकी खिड़की के पास एक मटर का पौधा उगाया है। ये देखो बेटी, खिड़की के पास एक मटर का पौधा उगा है। अरे वाह, ये यहाँ कैसे उगा? उसने अपना वादा निभाया माँ, उसने सच में वादा निभाया। क्या, किसने अपना वादा निभाया? वो मटर, जो मटर का पौधा बन गया। अब मुझे यकीन हो गया कि मैं ठीक हो जाऊंगी। अगर वो जीवन बदल सकता है तो मैं क्यों नहीं। हाँ मेरी बच्ची, जरूर तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। बच्ची ने मटर के पौधे को मुस्कुरा के देखा। माँ ने मटर का शुक्रिया अदा किया और उसका ख्याल भी रखा।